हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 30 जनवरी गुरुवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज का दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व है और इसके साथ साथ यह बसंत पंचमी मीन राशि वाले जातकों के लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन सिद्धि और सर्वासिद्धि ये दो योग ऐसे बन रहे हैं और ये दो शुभ मुहूर्त ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसका मीन राशि वाले जातकों के ऊपर इनके जीवन में काफी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। ऐसे में आज के दिन को कैसे आप इंजॉयपूर्ण और बेहतर बना सकते हैं आपको बताएंगे। आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करना आपके लिए उचित और सार्थक साबित होगा तथा आप रुपए पैसे से जुड़ी आर्थिक तंगियों को कैसे दूर कर सकते हैं आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए आज का दिन काफी अच्छा और लाभकारी रहने वाला है। आज के दिन आप भाग्य को मजबूत बना सकोगे, आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलताएं मिलेंगी। आप आज परिवार के साथ कहीं घूमने और सुख की प्राप्ति करने जा सकते हैं। आज आमदनी बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों से आपको प्यार मिलेगा, धर्म कर्म के कार्यों में आप हिस्सा ले सकेंगे। स्वास्थ्य के मुकाबले पहले के मुकाबले स्वास्थ्य भी आपका काफी बेहतर रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करनी चाहिए। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होंगे, आपको मनोबल अच्छा रहेगा, आपके प्रेम संबंध भी काफी अच्छे रहेंगे। आज का दिन दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ इन दोनों में बेहतर संयोग बना रहा है। आपको महिला सहकर्मी से सहयोग मिल सकता है और कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को बढ़ाने की मंजिल प्राप्त हो सकती है। आज का दिन आपको काफी अच्छे नए सामान की खरीदारी करने के लिए काफी उत्तम और लाभकारी रहेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपका काफी अच्छा रहेगा, आमदनी में बढ़ोतरी होंगी, नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकेगा। कुछ दिनों से परिवार में चल रहे किसी प्रकार की समस्याओं का हल आज मिल सकता है। छात्रों को आज कुछ नया सीखने, नया करने और नया एक्सपेरिमेंट में भाग लेने का मौका मिल सकता है। परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करेंगे, आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा। किसी कार्य की योजना बनाने में आप काफी सफल रहेंगे, मेहनत का पूरा फायदा भी आपको जरूर मिलेगा, सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे। कार्य में कुछ विलंब के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेंगी। धन संबंधित मामलों में सतर्क रहना होगा, किसी अवैध स्रोत के जरिए धन कमाने का प्रयास न करें, आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। ऑफिस में आज आपका काम काफी बढ़ सकता है, आपके काम की तारीफें होंगी, आमदनी में इजाफा होने का कोई बेहतर योग बनेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख के फल आएंगे। ज्यादा काम होने की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं और किसी के साथ अनबन भी हो सकती है, किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपको जाना पड़ सकता है, विरोधी कंपटीटर और आपके जो भी साथ काम करते हैं वे आज आपके सामने टिक नहीं सकेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगी, आप सोच विचार में डूबे रहेंगे। आर्थिक मामलों को लेकर किसी व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो सकती है, दाम्पत्य जीवन आज थोड़ा नीरस रहेगा। आज स्वास्थ्य पक्ष से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकेंगे। अगर आप विवाहित हैं और आपको संतान सुख से वंचित हैं तो आज के दिन इस क्षेत्र में कोई अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ जो लोग साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज कोई बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, आप अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे, धन प्राप्ति का रास्ता दिखाई देगा, आपके लिए कोई व्यक्ति मददगार
मददगार हो सकता है। संतान का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंधों में आपसी सहमति से आगे बढ़ने के योग भी बनेंगे। वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम आपके सफल रहने वाले हैं। आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित होगा। भूमि खरीद बिक्री में आर्थिक लाभ संभव है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का और खुद का नाम बनाने के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन आपका सामंजस्यपूर्ण रहेगा। परिवार में आपके शादी या संतान के जन्म संबंधित शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं। आज का दिन आपके लिए काफी खास रहने वाला है। आज आपको बताना चाहेंगे कि आलस्य न करें। आज आलस्य के कारण आपके जरूरी काम समय पर नहीं निपटेंगे। ऐसे में आप आलस्य न करें। कोई परेशानियां चल रही हैं तो आज जल्दी ही उसका हल निकाल सकोगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आपको परीक्षा में अच्छे फल मिलेंगे। मित्रों, आज के दिन छात्रों को सबसे पहले सुबह सुबह स्नान करके माँ शारदे माँ सरस्वती की पूजा उपासना करनी चाहिए और उनसे आप विनती करें। बल बुद्धि विद्या आपको देने का और एक विशिष्ट गुण भी आपको देने की कोशिश करें। उनसे आप जरूर निश्चित तौर पर इस मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करें। आपको कार्य क्षेत्र में अटके हुए कार्य जल्द ही संपन्न होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी के चलते स्थान परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परिजनों से मिलने का मौका मिलेगा। अविवाहितों के लिए आज का दिन काफी शुभ रहने वाला है। आज के दिन जो जातक अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि आज आपके जीवन में प्रेम भी दस्तक दे सकता है। आज कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपका कोई अधूरा काम पूरा हो जाएगा। दूसरों की मदद करने से आपको संतुष्टि मिलेगी। छात्रों को करियर में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और किसी समारोह में ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होंगी जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही खास साबित होगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको बहुत से अच्छे सुझाव भी मिलेंगे। आज आप चुनौतियों का सामना करके निडर बनोगे और नौकरी पेशा लोगों को कुछ आकस्मिक अचानक से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए लंबे दूरी की यात्रा से संबंधित कार्य सफल होंगे। प्रॉपर्टी कमीशन आदि में लेन देन करने वालों को वांछित परिणाम मिलेंगे। धन की आमदनी अच्छी रहेंगी लेकिन खर्चे भी अधिक रहेंगे, इसलिए आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा संयम बरतें और खर्चों को कम से कम करने का प्रयास करें। आज का दिन कार्य सिद्धि के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बसंत पंचमी के पावन पर्व होने की वजह से आपको अपने जीवन में, आपके ग्रह गोचर, आपके व्यापार में, आपके करियर, आपके लव लाइफ तथा आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आप फोकस रहेंगे और नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को आज के दिन सफलता हाथ लगेगी। नए लोगों से मुलाकात होंगी। कारोबार की स्थिति काफी ठीक रहेंगी। पारिवारिक जीवन आपका यथावत रहने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आपका दिन लाभदायक और सुखद दोनों तरह के योगों को दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की चिंताएं न करें। जीवन में जिस मौके की तलाश में हैं वे आपके हाथ जल्द ही लगेगा। आप अपने विचारों और सोच को सकारात्मक बनाए रखें। पारिवारिक मेल जोल के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। रिश्तों में यदि गहराई बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने आप को व्यक्त करें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन जैसा मौका फिर आप भविष्य में कभी नहीं ढूंढ सकते हैं। ऐसे में आज के दिन का बखूबी लाभ अवश्य उठाएं। आज के दिन आप अगर नया व्यापार, नया कार्य या फिर नई प्रॉपर्टी या फिर किसी भी शुभ कार्यों को करने की आप शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन काफ़ी शुभ है। इसके साथ साथ अगर आप नया वाहन, नया घर या नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी दिन काफ़ी अच्छा है। आप जिस भी कार्य को करोगे उसमें आज के दिन से आपको शुभ समाचार, शुभ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है क्योंकि बसंत
पंचमी के पावन पर्व पर जिस भी प्रकार के शुभ कार्यों को प्रारंभ किया जाता है वो भविष्य में काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करवाता है। ज्योतिष शास्त्र में बसंत पंचमी को काफी अद्भुत संयोगों वाला दिन माना गया है। ऐसे में अगर आपकी इच्छा है, अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कहें नई प्रॉपर्टी या नई निवेश में भी कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी शुभ है। आप अपने व्यापार कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई नई रणनीति बना सकते हैं और ये सारी की सारी बातें आपको काफी सच लगेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अगर प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं उसके लिए भी समय काफी शुभ है। आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगे, मनोवांछित इच्छा और जॉब लग सकती है। आप आज आपको सरकारी या गवर्नमेंट कहीं से भी कोई अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। आज परिणाम रिजल्ट आपके पक्ष में रहने वाले हैं। आज आप ज्यादा तेजी में वाहन न चलाएं, चोट चपेट की आशंका रहेंगी। आज के दिन आप प्रशंसा के पात्र भी बनोगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो।